अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेथड फेसबुक के ऊपर लोग पेड सेल कर रहे होते हैं और फिर उनको लोडिंग का नाम देके वो लोगों को जो है वो मैं कह सकता हूँ कि वो बना रहे होते हैं। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा वो मेथड जो पेड होता है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री में बताऊँगा कि वो किस मेथड को यूज़ करते हुए आपको जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोडिंग करके देते हैं। एक्चुअल में ये जो लोडिंग है इसमें 0% रिस्क है और गूगल इसको अलाउ करता है। ना सिर्फ गूगल इसको अलाउ करता है बल्कि ये एक हलाल वे है, इसमें कोई भी हराम चीज़ ऐड नहीं है कि हाँ आप जो है वो बिल्कुल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ज़रिए थर्ड सिस्टम यूज़ करके इनवैलिड सिस्टम यूज़ करके जो है वो आप लोडिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ भी हराम नहीं है, सब चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी और हर चीज़ आपको जो है वो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। आपने करना क्या है, इस वीडियो को आपने स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है, देखना है और समझना है, फिर आपने उसी मेथड को सेम वेज में जो है वो आपने अप्लाई करना है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मिस्टर शाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो इनको भी ज़रूर से वॉच कर लीजिए, इनके अंदर भी मैंने आपको बहुत बेहतर वे बताया है। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सो आज की इस वीडियो के अंदर जिस मेथड को, जिस वेबसाइट को हम यूज़ करेंगे उसका नाम यहाँ पे आपके सामने है, जिसका नाम है हिल टॉप एड्स। अब इसमें आप दो ट्राइज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप जो है वो पब्लिशर्स भी जा सकते हैं एज अ पब्लिशर, या फिर यहाँ पे आप एज अ एडवर्टाइज़र भी जा सकते हैं, सेम लाइक जैसे हम एड्स जीरा के ऊपर जाते हैं। ये नहीं, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव भी करवा सकते हैं, दैट मीन्स कि आप मोनिटाइज करवा सकते हैं, या फिर इसी वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। वो कैसे होगा इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आप ये सारा देख सकते हैं, CPM, CPA पर रिक्वेस्ट और ट्रैफिक फ्रॉम डायरेक्ट पब्लिशर, एडवांस टारगेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, नो ब्लॉक इंप्रेशन, और उसके बाद रियल टाइम डिटेल आपको स्टैटिक्स इसमें देखने को मिलता है, ECPM रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलती है, उसके साथ आप सेल्फ सर्विस फॉर एडवर्टाइजर भी यहाँ पे आपको मिलती है, क्वालिफाइड सपोर्ट होती है, कस्टम यहाँ पे आपको सोल्यूशन फॉर वैल्यूड पार्टनर्स की यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती है, और ऑनर एडवाइज़र और एड नेटवर्क रोटेशन, उसके अलावा ये फिनंशियल जो ट्रांजेक्शन फ़ीस है वो भी आपको ज़ीरो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो आपको बात की है कि आप अपनी वेबसाइट को मोनिटाइज भी करवा सकते हैं, देख सकते हैं मोनिटाइज योर साइट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि 30% मोर इफेक्टिवली देन बिफोर, ठीक है। और गेट पेड वीकली वी आर बिटकॉइन ई पे सर्विस, उसके बाद पेपर, USDT, वेब मनी, वायर ट्रांसफ़र, और इन सभी के ज़रिए आप इसकी जो है वो मनी जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। मोनिटाइज वेब एंड मोबाइल ट्रैफिक, ऑल निशेज आर वेलकम, उसके बाद आपको क्लीन एड्स ओनली देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग भी मिलती है जिसमें आपको हाई क्वालिटी यूनिक ट्रैफिक कन्वर्टिंग ऑल व्यूज जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे डीपर टारगेटिंग देन इन अदर नेटवर्क, ठीक है, कैरियर्स, OS, ब्राउजर डिवाइस एंड मोर। उसके बाद ऑन एड सर्वर एंड RTB सॉल्यूशन, उसके बाद ऑल ट्रैफिक स्कैन एंड वेरीफाइड, यानी सारी ट्रैफिक जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग होती रहती है, कोई भी इनवैलिड वाला सीन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओवर एड यूनिट, वो आपको यहाँ पे एड यूनिट बता रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो है सपोर्ट मल्टीपल ट्रैकर्स हैं। साथ में गाइज इसको जिन कंपनीज से यहाँ पे देख सकते हैं, रेडी टू ज्वाइन बेस्ट पॉपुलर नेटवर्क, जो कंपनीज इसके साथ ट्रस्टेड हैं, पार्टनर में हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा अली एक्सप्रेस यहाँ पे है, उसके बाद ओनली ट्रैफिक भी यहाँ पे है, और जितनी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। राइट नाउ अभी करना क्या है, सिंपली मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत कर लिया आपने, सिंपली साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे कहना है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को जो है वो करवाना चाहते हैं मोनिटाइज, तो फिर आपने पब्लिशर रखना है, अदरवाइज आप एडवर्टाइजिंग रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रैफिक लेनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल डाल लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेल को जो है यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो पब्लिशर है वो मेल अलग है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपने आई एग्री एंड एक्सेप्ट कर देना है एंड साइन अप कर लेना है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर रखा है, तो मैं सिंपली इसको लॉगिन करूंगा, उसके लिए मैंने दोबारा इसको डालना है और यहाँ पे मेल डाल लेनी है, ठीक है, और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा, आपके सामने है, ठीक है।
और ये आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एड्स ऑन दिस मेथड होट जियो एंड गेट कैश बैक ऑन योर टोटल स्पेंड, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नॉन मेन स्ट्रीम है और मेन स्ट्रीम, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या और कैसे काम करता है। आपने सिंपली यहाँ पे कंपेन ऐड करनी है, उसके लिए आपने ऐड कंपेन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड कंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट करनी है। ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, यानी एक चीज़ दो में से, इनमें से आप एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक तो पॉप अंडर मोबाइल है, दूसरा है पॉप अंडर डेस्कटॉप। तो मैं रिकमेंड करूँगा डेस्कटॉप, आप मोबाइल भी कर सकते हैं तो डेस्कटॉप में ज़्यादा इंप्रेशन आने के चांसेज रहते हैं। उसके बाद ट्रैफिक चैनल कह रहा है, अब यहाँ पे आपने मेन स्ट्रीम मीडियम एंड हाई सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मेन स्ट्रीम ये मीडियम होगी, ठीक है। उसके बाद आपने सॉरी ये हाई होगी, ये आपने मीडियम सिलेक्ट करनी। अगर आप नॉन करेंगे तो इसमें जो आपका अगर थोड़ा बहुत अडल्ट कंटेंट होगा तो वो शो नहीं होता रहेगा। उसके बाद आपने कंपेन नाम दे देना, कोई सा भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कंपेन नाम दे दिया। उसके बाद आपने फाइनल डेस्टिनेशन URL दे देना है, यानी आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL देना है। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए, इसी वेबसाइट का यहाँ से HTTPS से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप मल्टीपल जो है वो URL ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने जो है वो इनको ऐड करना है, अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ आप एक को ही करके अलहदा से कंपेन चला सकते हैं। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी कैपिंग्स आ रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेयर कंपेन हावर ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अगर करना नहीं चाहते तो इसको आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे मेन चीज़ इसको आपने समझना है, वो आ रहा है कंपेन टारगेटिंग। अच्छा देखो, फर्स्ट चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस मेथड को गूगल खुद अलाउ करता है। सेकंड चीज़, इसको आप फ्रेश वेबसाइट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, यानी ट्राई क्या आप कर सकते हैं। थर्ड चीज़, आपको CPM CPC और ये सारा चीज़ें आपको तब अच्छे मिलेंगे जब आपका आर्टिकल जो है वो ऑनलाइन मनी से रिलेटेड होगा, या फिर जैसे बिटकॉइन हो गया और इंश्योरेंस वगैरह हो गया, इन सब के ऊपर अगर आपका आर्टिकल होगा तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जितना आपने स्पेंड किया उससे डबल क्या ट्रिपल आपको जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट हो। जियो के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इंक्लूड आ रहा है, एक्सक्लूड आ रहा है, ठीक है। हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको Tier 1, Tier 2, Tier 3, यानी यहाँ पे आपको ये सारी कंपनी जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। अननोन आ रहा है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूड में आएंगे तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंक्लूड में आता हूँ। यहाँ पे ये देखें Tier 1, Tier 2 आपको आ रहा है, Tier 3 आ रहा है, यूरोप आ रहा है, तो उनमें ये आपको सारी कंट्रीज जो वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इन कंट्रीज़ को जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप Tier 1 में जाएंगे तो उसकी जो थोड़ी सी कंपेन है वो थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं Tier 1 पे जाता हूँ तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये सारी देखने को मिल रही है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। जिसको आप नहीं रखना चाहते उसको सिंपली यहाँ पे कट कर सकते हैं। जब आप ये ऐड कर लेंगे उसके बाद आपका ब्राउज़र ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ब्राउज़र में आप अपने ब्राउज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रोम होना चाहिए, सफारी होना चाहिए, सैमसंग ब्राउज़र, फायरफॉक्स, उसके बाद UC ब्राउज़र, ये जितने भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका यही ब्राउज़र इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका OS आ रहा है, एंड्रॉयड आ रहा है, विंडो आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमने वहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट किया था, तो हम विंडोज़ एंड यहाँ पे मैक जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल कैरियर के अंदर अगर आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया तो इसको भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है द रिक्वायर्ड मिनिमम करेक्टर फादर टू सर, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं इसको जो है डिसेबल ही रखता हूँ। उसके बाद कनेक्शन टाइप आ रहा है, आपका कनेक्शन कौन सा होना चाहिए, 3G होना चाहिए, ब्रॉडबैंड होना चाहिए, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा। लैंग्वेज में आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, IP रेंज में आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी रेंज होनी चाहिए, तो इसको भी आपने ख़त्म कर देना। OS वर्जन आ रहे हैं कि वर्जन जो है वो एंड्रॉयड का या विंडो का कौन सा होना चाहिए, अगर आप मोबाइल सिलेक्ट किया है तो मोबाइल का कौन सा होना चाहिए, विंडो सिलेक्ट किया तो विंडो का कौन सा होना चाहिए, तो इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। अच्छा, ISP आ रहा है, इसमें भी आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसको भी मैं मैक्सिमम डिसेबल ही रखता हूँ। एप्लीकेशन का आ रहा है, यहाँ पे किस एप्लीकेशन से आपको जो है वो ट्रैफिक आनी चाहिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, गूगल गो है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, इंडेक्स है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे कोई अगर आपको माइंड में आ रहा है वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, टिकटॉक हो गया, UC ब्राउज़र फॉर चाइना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और चीज़ें आपको सिलेक्ट होगी, यहाँ पे सिटी आ रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कंपेन फिल्टर में आपने
जो प्रॉक्सी फिल्टर है इसको डिस अलाउ कर देना है, और वेब व्यू फिल्टर को भी आपने डिस अलाउ या फिर ओनली कर देना है, या फिर अलाउ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इतना इशू नहीं है। इंप्रेशन आ रहा है कि इंप्रेशन आपके पर डे में कितने जाने चाहिए, हायर जाने चाहिए, मिनिमम कितने जाने चाहिए, पीरियड कितना चलना चाहिए, ये अब अपनी मर्जी से जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उनको पता है कि किस तरह से रखना है, मैंने आपको क्या बताना है। स्पेंड आप कितना करना चाहते हैं वो मिनिमम यहाँ पे रख देना है। कन्वर्शन यहाँ पे आ रहा है और ECPA आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू ऑटो रोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो रोल जो है वो होता रहेगा आप जितने सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेली इंप्रेशन लिमिट आपको नज़र आ रही है, ये भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपेन आवरली ये भी आपकी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ये आपको जो है वो प्रीमियम CPM आ रहा है और रिकमेंडेड CPM ये आ रहा है। आपने सिंपली ऐड कंपेन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे ये जो मेरी वाचर इन कंडीशन है वो आ रहा है, क्योंकि मैंने इन्हीं के वेबसाइट का लिंक दिया है और अभी मैंने ये जो चीज़ें हैं इनको भी सिलेक्ट नहीं किया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जब सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने ऐड कंपेन के ऊपर क्लिक करके इसमें जो है वो जो डिपॉजिट है वो आपने कर देना है, और उसके बाद आपकी जो कंपेन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है वो ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें अभी यहाँ पे आ रहा है, पेंडिंग में आ रहा है, ट्रैफिक भी ऑफ है और मेरा जो रेट है वो यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। मुझे 11 USDT यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद मेरी कंपेन जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टोटल बजट जो है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा जो टोटल बजट है वो $10 का है, तो मैं इसको आई एम सॉरी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ $10, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको किया $10, अपडेट कर दिया, तो मेरी जो वैल्यू है वो मिनिमम 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं 20 कर लेता हूँ। 20 करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अगेन से मैं इसको कर देता हूँ 20 एंड ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी जो मेरा मिनिमम बजट है जो टोटल बजट है लिमिटेड USD वो यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है, और मेरा जो रेट वो ये चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको दोबारा आप सेटिंग भी कर सकते हैं, इसको मूव ग्रुप और बला चीज़ें कर सकते हैं। ये आपका जो है वो पेंडिंग में जा रहा है, ये अप्रूव होगा, उसके बाद आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उससे कट होगा और आपकी जो यहाँ पे डेली के इंप्रेशन शो होंगे, ड्यूरेशन शो होगा, डेली बजट यहाँ पे शो होगा, तो सारी चीज़ें शो होंगी। उसके अलावा आपको स्टैटिक्स में भी सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती रहेंगी, ठीक है। ये आपने फिल कर देना है परमिट कंपेन, तो फिर आपके फ़िल्टर लगा रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इसको आप जो है वो एडिक्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको गूगल एडसेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अला हाफिज़। अला नेकबाद।